तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने ग्रॉसरी स्टोर की मार्केटिंग कैसे करें। अगर आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, एक ऑनलाइन स्टोर आप रन करते हैं, तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे करें और आप अपनी सेल्स को 10x ग्रोथ कर सकते हैं, इसी के बारे में हम जानकारी देंगे और मार्केटिंग टिप्स भी देंगे कि आपको मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, आपको अपने स्टोर को कैसे रन करना चाहिए, सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझो कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग आप जानते हैं भैया कि एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की जाए तो भैया किसी भी चीज़ या किसी भी कंपनी की लोगों के बीच में एक पॉपुलैरिटी बढ़ाना और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से आपके कंपनी से कस्टमर जुड़ते हैं, आपसे कस्टमर जुड़ते हैं और आपकी प्रोडक्ट की बिक्री होती है, आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, तो ये एक मार्केटिंग कहलाती है। यहाँ पे मार्केटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो ऑफलाइन मार्केटिंग, एक होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें तो वो है हम लोगों के घर में जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, प्रोडक्ट के बारे में समझाएं और प्रोडक्ट की जानकारी दें, ये हो जाती है ऑफलाइन मार्केटिंग। उसी बीच ये ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि जो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग चलती है, घर बैठे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, तो हम अपने उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करेंगे और कस्टमर जो है ऑनलाइन जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आज का जो ज़माना है डिजिटल है, मोबाइल हर एक बंदे के पास मोबाइल है और हम फेसबुक और व्हाट्सएप में, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे कई सोशल मीडिया पे अपने एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और वहीं से हमारी मार्केटिंग होती जाती है और ये कहलाती है एक ऑनलाइन मार्केटिंग। यही मार्केटिंग आपको काम आएगी अगर आप एक ऑनलाइन ग्रॉसरी रनआउट करते हैं, ऑनलाइन ग्रॉसरी सेल करते हैं, तो आप जब अपना ऐप्स बना लेते हैं, अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो उसकी ज़रूरत होती है मार्केटिंग की और आपने उसकी अच्छी मार्केटिंग कर दी तो वो आपका आगे बढ़ने लगता है, लोगों तक पहुँचने लगता है और लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप अगर सिंगल सिटी में अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो आप जब ऐड चलाएंगे, ऐड प्रमोशन करेंगे, तो आप ऑनलाइन थोड़ी बहुत ऐड चलाएं और सिर्फ अपने एरिया के टारगेट लोकेशन पे अगर आप चलाएंगे, टारगेट ऑडियंस को अगर आप ऐड दिखाएंगे, तो आपकी जो बिक्री है, आपका लीड है, वो सही तरीके से जनरेट होगा। तो दोस्तों कुछ पॉइंट आप समझें अगर आप मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इन पॉइंट्स को आप समझें, ये चीज़ आपको नहीं करनी, ये चीज़ें आपको करनी है, पॉइंट को आप समझना। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखते हैं, कस्टमर को अपनी बात रखने दें, बीच में बोलकर आप उनकी बात को बीच में ही ना काटें। दूसरा, कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही आप अपने विचार या जानकारी बाद में दें। अगर आप किसी तरह के सैंपल ले जा रहे हैं तो वो सैंपल एकदम फ्रेश होने चाहिए और ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने ग्राहकों को टाइम दिया है तो आप उसी समय पर पहुँचें जिससे ग्राहक का आप पर भरोसा बढ़े। ग्राहक को अपने प्रोडक्ट की जानकारी दें, ग्राहक को अपने प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी समझाएं, ग्राहक को समझने में आसानी हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखें, ग्राहक के सामने जाने से पहले अपने स्टाइल और फैशन को काबू में रखें। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें अगर ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, तो जब हम अमेज़न, जब हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब हम मार्केटिंग करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हम मार्केटिंग जब कर रहे हैं तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि हम ग्रॉसरी सेल कर रहे हैं, तो हम कैसे लोगों को चूज़ करें, हमें किन लोगों को प्रेफर करना है, मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं जानते उनको हमें टारगेट नहीं करना, यानी कि हाई क्लास फैमिली को हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करेंगे तो वो ऑनलाइन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो ज़्यादा आपसे खरीदी करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान दें, उन पे ही टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को बेचें। जब ऑनलाइन आप बेच रहे हैं तो मार्केटिंग पे इतना पैसा, इतना कॉस्ट मत खर्च कर दें कि हमारा रेवेन्यू है ना निकल के आए। अगर आप सिंगल सिटी या दो तीन सिटी में अगर बिजनेस को कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग ऐसे लोगों तक पहुँचाएं जो आपके रियल कस्टमर हैं। मार्केटिंग के लिए आप किसी कंपनी को स्टार्टिंग में हायर ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेगी और आपका काम भी कम करेगी। तो मेरे ख्याल से आप इन छोटी छोटी स्किल्स को खुद सीखें, खुद लर्न करें, जिससे आपको काफ़ी सुविधा होगी और आप खुद उससे, आपको खुद उसका नॉलेज होगा और आप इससे काफ़ी कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग दो तरीके होती हैं। अब आप ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़्यादातर यूज़ करें, उसके साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग भी है जो हमने कई वीडियो में बताया भी है, यानी कि फ्लैक्स, बैनर, पंपलेट्स, इसके साथ साथ आप ऑटो रिक्शा में माइक लगा के भी थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट करवा सकते हैं।
और होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, लेकिन होर्डिंग्स वगैरह में भाई खर्चा बहुत आता है। तो थोड़ी ऐसी कोशिश करें कि ऑटो रिक्शा वगैरह में आप अपने पोस्टर लगवाएं और न्यूज़पेपर में अपने पम्पलेट्स भिजवाएं हर वीकली, तो ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा मार्केटिंग का। दोस्तों आपके ग्रॉसरी स्टोर में ऐसी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएं जो जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, जल्दी ख़राब होने वाले हैं, यानी कि अभी उनमें 2-4 महीने का टाइम बचा है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो उन प्रोडक्ट को आप डिस्काउंट में बांटें, उन प्रोडक्ट को आप 50% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट में आप उनको सेल लगा दें, तो ऐसे में आपके पास ज़्यादा खरीदी आएगी, ज़्यादा ऑर्डर आने के चांस रहेंगे और आपकी बिक्री जो है वो बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करते रहें अपने बिजनेस में। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं और फिर दोष देते हैं इसको उसको, लेकिन आपकी इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी, इसलिए आपका बिजनेस ना चला होगा। कई सारी समस्याएं प्रॉब्लम होती हैं जिसका सॉल्यूशन हमें करना चाहिए, ना कि हमें उसे बंद कर देना चाहिए। तो धीरे धीरे करके वो बिजनेस बढ़ते रहता है। एकदम से आप सोचेंगे कि मैंने आज बिजनेस शुरू किया और आज ही मैं लाखों का रेवेन्यू कमा लूँगा, करोड़ों का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक जब हम टंकी में पानी भरते हैं तो पहले थोड़ा सा पानी आता है उसमें, फिर थोड़ा सा, ऐसे करके उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो यार टाइम लगता है थोड़ा फलने में, फूलने में, तो इन चीज़ों को ध्यान दो यार। ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है भाई कि आपने आज बिजनेस शुरू किया और आज ही आपका ग्रोथ हो गया खूब सारा। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आप ज़रूर सफल होंगे। और टिप्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें वीडियो को, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छी जानकारी आपको लेकर दे सकें। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, मिलते फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। बिजनेस मोटिवेशनल स्टार्टअप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।